दोस्तों, कहानी का नाम है चुप रहना सीखो बहू भाग दो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। जूही हैरान होकर उनकी बातें सुन रही थी। अवंतिका जी का दिल तड़पने लगा। उनका जख्म तो नासूर बन ही चुका था और अब उनकी खुद की बहू के साथ भी इतिहास को दोहराने की कोशिश की जा रही थी। दादी सास ने आगे कहा, यह मेरा घर है, इस घर में मेरा राज चलेगा और मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करोगी तो राहुल तुम दोनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। जूही को चुप रहना बर्दाश्त नहीं था। वह उठ खड़ी हुई और निर्भीक होकर दादी सास से बोली, लेकिन दादी जी, यह घर तो हमेशा से आपका ही है, हम तो आपको मान सम्मान देते ही हैं, क्या हम सब साथ मिलकर प्यार से नहीं रह सकते? दादी सास ने गरजते हुए कहा, चुप रह, यह प्यार मोहब्बत के चौसले मुझे मत दिखाने की कोशिश करना। एक तो मेरे सीधे साधे राहुल को तूने फंसा लिया, न जाने कितने लड़कों के साथ संबंध रहे होंगे तुम्हारे। बेचारे राहुल की तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी मुफट और बेशरम लड़की उसके पल्ले पड़ गई। तभी हॉल में राहुल की आवाज़ गूंजी। वो चीखते हुए बोला, बस दादी माँ बस, यह सब आप क्या बोले जा रही हैं? राहुल को देखते ही दादी माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। राहुल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी दादी ऐसी बातें भी कर सकती है। वह तो अपनी दादी को बचपन से ही माँ से भी ज़्यादा इज्जत और प्यार देता आया था। वह सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें रह रह कर उसकी आंखों के आगे आने लगी और अपने दादी द्वारा बताई गई झूठी बातों की सच्चाई आज उसे नजर आने लगी थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। दादी माँ तो जड़ होकर एक कोने में खड़ी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या बोले। अवंतिका जी झिझकते हुए राहुल का माथा सहलाने लगी। राहुल ने नजरें उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो अपनी माँ के पैरों से लिपट गया और माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने अपनी देवी जैसी माँ पर बहुत जुल्म किए हैं। हमेशा दादी की बातों को सही मानकर मैं आपसे नफरत करने लगा, कभी आपकी इज्जत नहीं की और कभी आपकी बातों पर विश्वास भी नहीं किया। मुझे हमेशा दादी की झूठी बातें ही सच लगती थी और वही गलती मैं जूही के साथ भी करने जा रहा था। अच्छा हुआ जो मेरा मोबाइल यहाँ छूट गया था और मैं उसे लेने के लिए वापस चला आया, नहीं तो मैं हमेशा गलतफहमी में ही रह जाता और जूही के साथ भी मेरा रिश्ता खराब हो जाता। उसने जूही की तरफ देखा और उससे भी माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, पति पत्नी के बीच का रिश्ता आपसे विश्वास पर टिका होता है, लेकिन मैंने तुम्हारा विश्वास ना करने की गलती की। अवंतिका जी की आंखें सावन की तरह बरसने लगी। आज ना जाने कितने सालों के बाद उन्हें बेटे का प्यार नसीब हुआ था। अपने बेटे से प्यार और सम्मान पाने की तो उम्मीद ही छोड़ दी थी उन्होंने। उन्होंने प्यार से राहुल और जूही को गले लगा लिया। जूही को भी सुकून मिला कि राहुल सारी सच्चाई समझ गया। राहुल अपनी दादी से बोला, दादी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपका बहुत सम्मान करता था, लेकिन अब आपने वह सम्मान कहीं खो दिया। दादी माँ आप क्या कहती? सच्चाई सामने आते ही उनका गुरूर खत्म हो चुका था। राहुल ने दादी से कहा, आप घर की बड़ी हैं, आपका स्थान घर में सबसे ऊपर ही रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप माँ और जूही को कभी भी गलत शब्द नहीं बोलेंगी। अवंतिका जी आज बहुत खुश थी। वह अपनी बहू को चुप रहना सिखा रही थी, लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि आज उनके दामन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।